उत्तराखंड में एक शब्द लगातार सुनते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय जनता पार्टी का चाहे घोषणा पत्र हो या फिर 1900 के लोकसभा के चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी एक शब्द दोहराती आई है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आम भाषा में कहें तो सामान्य नागरिक संहिता। अब ये क्या है? आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जब से सत्ता में आए हैं तो तभी से इस शब्द की तार उन्होंने छेड़ दिए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीते दिन पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उसको अब उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर आम भाषा में जो कहते हैं सामान्य नागरिक संहिता, ये क्या है? आपको बता दें कि एक ऐसा कानून है जो धर्म जाति सबसे अलग है, ये सबको एकता के साथ लेकर चलता है। आम भाषा में इसका यही मतलब है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इनके उनके लिए एक यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म एक कोड बन जाएगा, एक सिविल कोड बन जाएगा। इसका मेन कारण है लाने का एकता। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में जनता के अंदर, यानी उत्तराखंडियों के अंदर एकता का भाव आ सके, सब जाति धर्म विशेष से ऊपर उठकर एकता ला सके एक दूसरे के प्रति, इसीलिए ये कानून लाना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के अंदर। अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें गोवा से कुछ सीखना चाहिए। अब उन्होंने बयान क्यों दिया? आपको बता दें कि देश का पहला राज्य गोवा ही ऐसा है जो लागू कर चुका है अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उत्तराखंड अगर ये लागू करता है तो देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने ये कह दिया कि वो जल्द ही समिति बनाएंगे। अब ये समिति, आपको बता दें, ये समिति किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनेगी, जो समिति ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद राज्य सरकार उसको केंद्र सरकार को भेजेगी, फिर केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य में इस कानून को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लागू किया जाएगा। अब अगर ये लागू होता है तो इससे क्या फायदे होंगे? इससे ये फायदे होंगे, जब किसी धर्म या जाति का मामला कोर्ट में जाता है तो तमाम मुद्दे छेड़े जाते हैं, क्योंकि हर किसी धर्म का एक अपना अपना पर्सनल लॉ है, एक अपना अपना तरीका है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबके लिए एक सामान्य कानून हो जाएगा, वही इसे लाने का महत्वपूर्ण कारण है। और पिछले सालों से, वर्षों से चले जो कोर्ट में केसेस पड़े हैं धर्म से जुड़े हुए या फिर किसी जाति से जुड़े हुए, वो बिल्कुल सुलझ जाएंगे। वो जो सालों से खिंचते आ रहे हैं जो मामले, वो सुलझ जाएंगे, उनके समाधान निकल जाएंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है। अब आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जो पहले ही इस कानून को अपने देशों में लागू कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान भी इन्हीं में से एक है, वहीं पर बांग्लादेश, तमाम ये देश हैं जो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने देशों में ला चुके हैं। लेकिन क्या अब उत्तराखंड ला पाएगा? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था वो सच कर दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कह दिया था, घर घर जब प्रचार कर रहे थे उस दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आए तो सबसे पहला काम उनका होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को जनता तक पहुँचाना और उसे लागू करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता इन तमाम चीज़ों से, यानी कि जाति विशेष धर्म, इन सब से उठकर एकता का भाव अपने मन में लाए। और इसी के कारण पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इसको लाना चाहते हैं कानून को उत्तराखंड में। लेकिन अब जो प्रस्ताव उन्होंने कहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, उनके फैसले के बाद अगर आलाकमान, यानी कि केंद्र सरकार, इसको अनुमति भरता है तो उसके बाद इसको राज्य में लागू कर दिया जाएगा। और अब किसी का पर्सनल लॉ उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। तो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।